हरिओम। तो हम लोग लेथ मशीन के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं कि लेथ मशीन कितने टाइप का होता है। तो आज हम लोग कैक्टसम लेथ मशीन का जो टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये फिगर है कैक्टसम लेथ मशीन का। तो कैक्टसम लेथ मशीन जो होता है मास प्रोडक्शन के लिए होता है। मास प्रोडक्शन का मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग कैक्टसम लेथ का यूज करते हैं। यह मशीन विशाल उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई टूल लगता है, एक ही यानी इसमें एक साथ कई टूल का हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए इसमें एक कैक्टसम हेड है जो एक रैम के ऊपर लगा रहता है। तो जैसा कि यह चित्र में दिखा रहा है कि एक रैम के ऊपर जो है कैक्टसम हेड लगा रहता है। यह रैम मशीन बेड पर लगी होती है। जो रैम है वो किस पर रहता है? मशीन बेड पे। इस हेड में कई टूल एक साथ बांध दिए जाते हैं और बारी बारी से कार्य करते हैं। कैक्टसम लेथ पर टूल्स की सेटिंग करने के लिए एक अनुभवी कारीगर की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें बहुत सारा टूल रहता है। इस वजह से इसमें एक एक्सपीरियंस ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, परंतु प्रोडक्शन निकालने के लिए ज़्यादा अनुभव कारीगर की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि एक बार मशीन सेटिंग करने के बाद पुनः एक बार बार एक ही अगर डायमेंशन का सिर्फ जॉब निकालना हो तो उसको बार बार कोई भी एक बार सेटिंग करने के बाद वो बार बार जॉब को निकाल सकता है। ऐसे मशीनों की सेटिंग में अधिक समय लगता है परंतु उत्पादन में कम समय लगता है, इसलिए इस मशीन का उपयोग मास प्रोडक्शन के होता है क्योंकि इसमें इस कैक्टसम लेथ मशीन में क्या होता है, एक बार इसका सेटिंग टॉप होता है। एक बार सेटिंग हो जाने के बाद उसी साइज का अगर पुनः हमको जॉब बार बार निकालना हो तो एक बार सेटिंग करने के बाद अब सिर्फ बार बार सिर्फ ये जॉब बदलना रहता है और ऑटोमेटिक जो भी हमको रिक्वायरमेंट काटना है, जो भी हमको ऑपरेशन करना है वो होता रहता है। अब हम लोग टरेट लेथ के बारे में पढ़ेंगे। टरेट लेथ क्या होता है? तो टरेट लेथ भी एक लेथ का टाइप है। टरेट लेथ तो आजकल जो नॉर्मल में टरेट लेथ का ही उपयोग होता है। टरेट लेथ का तो इसका भी जो मेन प्रयोग है मास प्रोडक्शन के लिए होता है। टरेट लेथ को इसको थोड़ा एडवांटेज बनाया गया है। एक मशीन में कैक्टसम हेड के स्थान पर टरेट हेड होता है जिसे कैक्टसम लेथ मशीन में उसमें हेड लगा रहता है। तो इसमें टरेट हेड होता है, उसमें कैक्टसम हेड होता है और टरेट लेथ में टरेट हेड होता है। टरेट हेड सीधे मशीन बेड पर लगा होता है तथा इस पर लगे औजार बारी बारी से कार्यखंड पर अपना कार्य करते हैं। तो जो भी इसका टूल्स है वो बारी बारी से जो भी कटिंग करना हो स्टेप बाई स्टेप कटिंग करते रहता है। ये मशीनें भी अर्ध स्वचालित एवं पूर्ण स्वचालित दोनों प्रकार की होती है। इन मशीनों का उपयोग भी मास प्रोडक्शन में किया जाता है। इन मशीनों का सेटिंग समय भी अधिक होता है परंतु प्रोडक्शन में कम समय लगता है। तो क्या हो करता है कि एक बार हम लोग लेथ में एक बार सेटिंग कर देते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन होते रहता है। अब हम लोग स्वचालित लेथ यानी ऑटोमेटिक लेथ के बारे में, ऑटोमेटिक लेथ में क्या होता है? तो ऑटोमेटिक लेथ में जॉब को हमको उसको जॉब को लोडिंग और अनलोडिंग नहीं करना पड़ता है। मशीन ही स्वयं से अपने आप लोडिंग करती है और प्रोडक्शन ये अपना कटिंग करने के बाद वो अनलोडिंग जॉब को कर देती है। तो इसमें क्या होता है कि एक ही ऑपरेटर जो होता है कई सारी ऑटोमेटिक लेथ मशीन को वो ऑपरेट कर सकता है। इसके यही खास बात है कि जो लोडिंग और अनलोडिंग ये जो प्रोसेस होता है, लोडिंग मतलब जॉब को उस फिक्चर में लोड करना, मतलब उसको बांधना ताकि कोई भी ऑपरेशन हो तो हमारा जो जॉब है अपने पोजीशन से इधर उधर नहीं हो। तो ये जो लोडिंग का काम है मशीन स्वयं कर लेती है
और ऑपरेशन होने के बाद जो अनलोडिंग प्रोसेस है कि उसको अनलोडिंग करके जॉब को हटा देना प्रोसेस करने के बाद, तो मशीन अपने आप उस जॉब को अनलोड कर देती है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें ऑपरेटर की आवश्यकता, एक ही ऑपरेटर जो होता है बहुत सारे ऑटोमेटिक लेथ मशीन को ऑपरेट आसानी से कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक इसका लंबा होता है, लंबा स्टॉक का इसमें प्रयोग किया जाता है। और इसका जो होता है मशीन को एक बार हम सेट कर देते हैं और वो अपने आप प्रोडक्शन हमेशा प्रोडक्शन वो करती रहती है।